हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। दिस इज गुलनशी इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी पीजीटी इंग्लिश का 2011 का पेपर लेकर के आई हूँ। इसके दो पार्ट्स मैं पहले ही अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। 50 क्वेश्चंस एक बार अपनी वीडियो में अपलोड किए हैं और दूसरी बार भी 50 क्वेश्चंस यानी कि 100 क्वेश्चंस मैं इसके सॉल्व करवा चुकी हूँ। अब लेकर के आई हूँ मैं आगे की 25 क्वेश्चंस। तो जिन लोगों ने यूपी पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को पिछले क्वेश्चंस देखने हैं यानी कि वीडियोस देखनी है, तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। 100 क्वेश्चंस के बाद में देखते हैं। द ऑथर ऑफ द एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज, ऐसे का नाम है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं टीएस इलियट। एक बार और सुन ले, द ऑथर ऑफ द एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इसके लेखक कौन है? टीएस इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेक्सपियरियंस प्ले टर्म्ड एज आर्टिस्टिक फेलियर बाय टीएस इलियट इज, टीएस इलियट के द्वारा जो शेक्सपियरियंस प्ले को एक वर्ड दिया गया है आर्टिस्टिक फेलियर, तो वो क्या है, किस में दिया गया है? किंग्सलेयर के लिए, ऑथेलो के लिए, हैमलेट के लिए, या एज यू लाइक इट? तो ये दिया गया है हैमलेट के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मिडिल नेम क्या है? ली, ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू रिसाइट एट हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी, किस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में रिसाइट के लिए बुलाया था? तो वो कैनेडी ने बुलाया था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट इज द राइट प्लेस फॉर लव, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग लव के लिए राइट प्लेस क्या है? तो अर्थ है, हेवन है, ईडन है, या पैराडाइज है? तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट द राइट प्लेस फॉर लव इज अर्थ। तो इसका अर्थ इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी अर्थ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए प्रेम करने का सबसे अच्छी जगह जो है वो पृथ्वी है। नेक्स्ट है, द शिप इन विटमैन्स और कैप्टन माई कैप्टन रेफर्स टू, डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, या डिक्टेटरशिप? तो ये रेफर्स करती है डेमोक्रेसी को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द शिप इन वॉल्ट व्हाइटमैन्स और कैप्टन माई कैप्टन रेफर्स टू डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है, विच फेमस नॉवेल बाय विलियम फॉल्कनर वॉज पब्लिश्ड इन 1929, विलियम फॉल्कनर की कौन सा फेमस नॉवेल 1929 में पब्लिश हुआ? द साउंड एंड द फ्यूरी, मॉस्किटोज, सोल्जर्स प्ले, द वाइट रोज ऑफ मेम्फिस। तो इसका विलियम फॉल्कनर का 1929 में प्रसिद्ध नॉवेल पब्लिश होने वाला जो था वो था द साउंड एंड द फ्यूरी। अगला है, व्हेन डिड विलियम फॉल्कनर गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, विलियम फॉल्कनर ने लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज कब अचीव किया था? तो उन्होंने अचीव किया था 1949 में।
नेक्स्ट है, हुज डेथ डज वैन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड कॉमेमोरेट्स, लिंकन, जॉन ब्राउन्स, स्टोनवॉल जैक्सन, द पोइट्स मदर्स। तो ये था लिंकन। What novel got Ernest Hemingway's role in World War First? What novel got Ernest Hemingway's role in World War? यह है एम्बुलेंस। नेक्स्ट है, विच नॉवेल गॉट अर्नेस्ट हेमिंगवे द पुलित्ज़र प्राइज? अर्नेस्ट हेमिंगवे के किस नॉवेल ने पुलित्ज़र प्राइज अचीव किया था? तो द ओल्ड मैन एंड द सी गॉट द पुलित्ज़र प्राइज। नेक्स्ट है, नेम द ऑथर ऑफ द एसे नेपल्स इंडिया एंड माइन। ऐसे का नाम है नेपल्स इंडिया एंड माइन। इस ऐसे के लेखक का नाम आपको बताना है, तो इसके लेखक है नसीम इज़ैकिल। नेक्स्ट है, नसीम इज़ैकिल बिलोंग्स टू द क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूइश या मुस्लिम? तो ये थे ज्यू, ऑप्शन नंबर सी। नसीम इज़ैकिल बिलोंग्स टू द ज्यूइश कम्युनिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोयम बाय कमला दास? इनमें से कौन सी पोयम कमला दास के द्वारा लिखी हुई नहीं है? समर इन कैलकटा, द डांस ऑफ द इनच, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये नसीम इज़ैकिल का है, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो है ये नसीम इज़ैकिल के द्वारा लिखा गया है, यही कमला दास का नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट है, व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? अभी तो आया ही था ये क्वेश्चन। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने नोबेल प्राइज लिटरेचर में 1949 में दे रखा था जब, और अब 1944 में दे रखा है। अर्नेस्ट हेमिंगवे नहीं थे, वो दूसरे राइटर थे, फॉल्कनर थे, विलियम फॉल्कनर। उनको नोबेल प्राइज जो मिला था 49 में मिला था, और इनको मिला था 54 में। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने जो था नोबेल प्राइज 1954 में अचीव किया था लिटरेचर के लिए, और इनका जो वर्क था द मैन द ओल्ड मैन एंड द सी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेजर सिंबल इन व्हाइट व्हिटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? जो वॉल्ट व्हिटमैन की सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, उसका मेजर सिंबल क्या है? ओशियन, बर्ड, टॉम्बस्टोन या ग्रास? द ग्रास इसका ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच अमेरिकन राइटर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन व्हाइटमैन? कौन से अमेरिकन लेखक वॉल्ट व्हिटमैन के ग्रेट इन्फ्लुएंस में थे? थोरो, कॉपर, होथोर्न या इमर्सन? तो इमर्सन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, द ऑथर ऑफ माई स्टोरी इज, माई स्टोरी के लेखक हैं कमला दास। द ऑथर ऑफ द एसे ऑफ एसेज ऑफ एलिया इज, एसेज ऑफ एलिया के लेखक हैं चार्ल्स लैम। नेक्स्ट है, मुल्क राज आनंद डाइड इन द ईयर, मुल्क राज आनंद किस साल मरे थे? तो वो मरे थे 2004 में, सॉरी, मुल्क राज आनंद डाइड इन द ईयर 2004। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय मुल्क राज आनंद? इनमें से कौन सा वर्क मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया नहीं है? द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्राइंस, प्रिंस, कुली, कांथापुरा, टू लीव्स एंड अ बर्ड। इसका कांथापुरा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हु रोट द फॉरवर्ड ऑफ आनंद्स नॉवेल अनटचेबल? किसने मुल्कराज आनंद के नॉवेल अनटचेबल के लिए फॉरवर्ड लिखे? ई एम फॉरेस्टर ने।
नेक्स्ट है द आइडिया दैट द गुड आर रिवार्डेड एंड द एविल पनिश्ड इन टर्म्ड. जो आइडिया है कि अच्छाई को रिवॉर्ड किया जाता है और एविल पनिश्ड होती है, तो ये था पोएटिक जस्टिस का टर्म. नेक्स्ट है एन एक्सटेंडेड स्पीच इन विच अ कैरेक्टर अलोन एक्सप्रेसेस हिज टफ ऑन स्टेज इज कॉल्ड सोलिलोक्वी. एक बार और सुन ले. एक्सटेंडेड स्पीच इन विच, जिसमें ए कैरेक्टर अलोन एक्सप्रेसेस हिज थॉट, जिसमें एक कैरेक्टर अकेला अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करता है ऑन स्टेज, स्टेज पर, इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है सोलिलोक्वी. देखिए, जब स्टेज पर कोई अकेला कैरेक्टर अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करता है स्टेज पर, तब उसको कहा जाता है सोलिलोक्वी. नेक्स्ट है ए डैक्टिल इज ए मैट्रिकल फूट कंसिस्टिंग ऑफ. डैक्टिल क्या है? एक मैट्रिकल फूट है जिसमें थ्री सिलेबल्स होते हैं, तीन सिलेबल्स. देखिए, ए डैक्टिल इज ए मैट्रिकल फूट कंसिस्टिंग ऑफ थ्री सिलेबल्स. तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं. देखिए, पीजीटी इंग्लिश के पेपर में 125 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मैंने जिस पेपर को मैंने तीन पार्ट्स में, यानी कि तीन वीडियोस में सेपरेटली अपलोड किया है. 50 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में है, 50 क्वेश्चंस सेकंड पार्ट में है, और 25 क्वेश्चंस ये थर्ड पार्ट में है. अगर किसी व्यूअर्स को लग रहा हो कि मेरा बताया गया आंसर्स गलत हैं, कोई मिस्टेक है, तो प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए अपना सही आंसर. और इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि हम पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी लेक्चर, इनसे रिलेटेड पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, इन सभी के और इनके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं हमारे चैनल पर. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. और अगर किसी भी व्यूअर्स की कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए. तो चलिए, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.